हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सूर्य ग्रहण के बारे में। आपको पता है 2019 से लगातार दिसंबर में सूर्य ग्रहण लगता आ रहा है। 2019 में जब सूर्य ग्रहण दिसंबर में लगा था, उसी के बाद कोविड कितना फैल गया था। फिर 2020 में लगा, तो आपने 2021 में देखा ही था क्या हाल हुआ था 4-5 महीने के बीच में। और अब वो दोबारा से लगने जा रहा है 4 दिसंबर 2021। लेकिन इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो इतना प्रभावशाली नहीं है, उससे हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। खास करके हमारे इंडिया में उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, ना कोई सूतक होगा। इसका सारा का सारा जो प्रभाव है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। लेकिन पूरे संसार में अगर मैं बात करूं तो वो थोड़ा इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, और जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिशियन है, उनके ऊपर इसका काफ़ी असर आने वाला है। तो सूर्य ग्रहण पे इस बार मैं बोलूंगी कि आप सब लोग, देखिए है तो पृथ्वी पे बाहर ही, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन पूरी पृथ्वी पे बाहर तो होता ही है ना सूर्य ग्रहण पे। तो आपको क्या करना है, एक तो प्रेयर करनी है। आप देखिए दान भी कर सकते हैं, जैसे पीछे चंद्र ग्रहण था तो मंदिर भी खुले रहे थे, तो आप दान कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। तो आप चैंटिंग कीजिए, ओम घृणी सूर्य नमः की आप बोल सकते हैं, या गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। और तांबे के एक लोटे में गेहूं भर के उसको अपने पिता का आशीर्वाद लेके पांव छूके और आप मंदिर में डोनेट कर सकते हैं। तो इससे पूरी पृथ्वी का भार उतरे, उसके लिए आप बैठ के प्रार्थना कीजिए कि हमारी पृथ्वी पे जो भी भार है, चाहे वो किसी भी कंट्री पे हो, तो भगवान आप शांति देना और उनकी रक्षा करना। हरे कृष्णा।